हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में जब भी अपन बात करेंगे तो यहां आएगा आपके बॉन्ड, क्लीवेज और इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज को, और उसके बाद अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट्स को। ओके, तो देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट है आपके बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। अपन कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। जैसे ही कोई बॉन्ड क्लीवेज होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, जैसे ही ये ब्रेक होगा, इस ब्रेकिंग को आप क्या कहेंगे? बॉन्ड फिजन कहेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स बोल सकते हैं। होमोलाइटिक फिजन, जिसे होमोलाइसिस भी कहा जाता है। देखिएगा, इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट बोथ द एटम्स और स्पीसीज रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। इट मीन अपन कह सकते हैं यहां पर कि कोई भी बॉन्ड फिजन हो रहा है और वो होमोलाइसिस हो रहा है, तो वहां पर जैसे कार्बन कार्बन है, बॉन्ड क्लीवेज करेगा और कोवलेंट बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिल जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फिजन टेक्स प्लेस इन ए सिमेट्रिकल मैनर। और ये सिमेट्रिकल मैनर में क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है। लाइक देखिएगा, ए ए एटम है और यहां से बॉन्ड फिजन हो रहा है, यहां से बॉन्ड फिजन होगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस ए एटम को मिल जाता है। ओके, और ये अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल। किसका फॉर्मेशन करते हैं यहां पर? फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल यहां पर फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैथिल मैथिल मतलब एथेन मॉलिक्यूल। एथेन मॉलिक्यूल में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर? थर्ड पॉइंट टेस्ट में देखिएगा, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और इससे, इस होमोलाइटिक क्लीवेज से या फिजन से क्या प्रिपेयर हुआ है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल प्रिपेयर होते हैं, शॉर्ट लाइव अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। इनकी छोटी लाइफ होती है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ बोल सकते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज मानी जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर, प्रोक्साइड और सनलाइट। इसके लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर, प्रोक्साइड की प्रेजेंस और सनलाइट होनी चाहिए, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड है आपके हेट्रोलाइटिक फिजन, या इसे हेट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एटम और स्पीसीज रिटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होता है? अनसिमेट्रिकल मैनर मिलता है, तो फिजन टेक प्लेस इन अनसिमेट्रिकल मैनर। जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक ही एटम की ओर माइग्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो ए और बी एक मॉलिक्यूल है, यहां से बॉन्ड फिजन होगा। ओके, पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, दो टाइप से हैं, ए प्लस प्लस बी माइनस, और दूसरा ए माइनस प्लस बी प्लस। एक मिनट, अपन कह सकते हैं कि यहां वाले जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, मान लेते हैं एक टाइम बी का क्या है, इलेक्ट्रॉन ई एन ज्यादा हो गया। क्या हो गया? ई एन ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बी की ओर आ जाते हैं, और क्या हो जाता है यहाँ पर? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसे पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके,
और यदि ए की ई एन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किस साइड आ जाएगा, ए की तरफ, जिससे क्या होता है यहां पर ए माइनस प्लस बी प्लस हो जाता है। ओके ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ए की है या बी की है। ओके यदि बी की है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, और ए की है तो ये वाली पॉसिबिलिटी मिलती है। क्लियर बच्चों? ओके फिर देखिएगा इसमें अपन बात करते हैं, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और यहां पर किनका फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कैटायंस और एनायंस। क्लियर? होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिएगा, इन दिस केस द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली, यहां पर होमोलाइटिक फिजन में ऑलवेज सिमेट्रिकली बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ओके और हेट्रोलाइटिक में अपन कह सकते हैं, इन दिस केस द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली। ओके हेट्रोलाइटिक फिजन में अनसिमेट्रिकली बॉन्ड क्लीवेज होगा। ईच स्पीसीज ऑब्टेन्स एंड रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाता है, ठीक है, हर एक स्पीसीज या एटम के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड पर प्रेजेंट है। द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम रिटेन्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखेगा उसकी और इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट कर जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड विच कैरी एन ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके और ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। हेट्रोलाइटिक फिजन में देखें तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, चार्ज आयन है, जैसे कैटायंस हो गए और एनायंस आर फॉर्म्ड। ओके यहां पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, और यहां पर जैसे आर ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्री रेडिकल, ये एल्किल फ्री रेडिकल हो जाता है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अल्ट्रावायलेट, और यहां पर सनलाइट और अल्ट्रावायलेट की रिक्वायरमेंट होती है, और हेट्रोलाइटिक में पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करते हैं रिएजेंट्स की, कि यहां से रिएजेंट जो प्रिपेयर हुए हैं कैटायन एनायन, ओके उनको रिएजेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिएगा रिएजेंट फर्स्ट है आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्या हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, ऐसे अपन कह सकते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब होता है लविंग। ओके दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, दे अटैक द साइड ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट, और यह उस सबस्ट्रेट पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो हाई हो। दे मे बी पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दे पजेस एन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनका क्या होता है ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट रहता है। दे आर लुइस एसिड, और ये कैसे होते हैं लुइस एसिड होते हैं, कैसे होते हैं लुइस एसिड।
इलेक्ट्रोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा, दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड. ये सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को. ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, जैसे HNO2, PF3, AlCl3, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल. देखो सभी कैसे हैं? पॉजिटिव. देखो यहां पर H+, NO2+, BF3, AlCl3, ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं. क्लियर. यहां पर इनका क्या हो रहा है? यहां पर तो देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या कर लेता है? एक्सपेंशन कर लेता है. ओके, अपनी वैलेंसी का. और यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या हो जाता है? वैसे ही डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है. ओके, नेक्स्ट आता है आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोन का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस. ओके, और फिलिक का मतलब है लविंग. तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है. क्लियर, ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है. क्लियर. नेक्स्ट देखिएगा, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. इसको और क्या कहा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी कह सकते हैं अपन. नेक्स्ट, दे अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट. और ये कहां अटैक करेगा? उस सबस्ट्रेट पे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? कम है, लो है. ओके, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. ये भी नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, देयर वाज एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ऐसे एटम हो सकते हैं या एटॉमिक ग्रुप हो सकते हैं जिनके पास क्या हो? लोन पेयर प्रेजेंट. दे आर लुईस बेस. और इनको क्या कहा जाता है? लुईस बेस कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. क्लियर. दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सबस्ट्रेट एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, OH-CN-H2O NH3, ऐसे ही PH3, ये हो सकते हैं ना. क्या हो जाएगा यहां पर? ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे. क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होंगे. फिर अपन बात करते हैं